हरियाणा में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। अनिल विज का कहना है कि आम आदमी पार्टी तो पागल पार्टी हो गई है, इनके पास ना कोई मुद्दा है और इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली का भट्ठा बिठा दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। इनके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए इनको गंगा में जाकर डूब मरना चाहिए। ऐसा है, आम आदमी पार्टी तो पागल पार्टी हो गई है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और दिल्ली का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया, दिल्ली इन्होंने बर्बाद करके रख दी। हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली और उसका जो गौरव था इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो इनके पास और कोई काम नहीं सिवाय इसके कि ये गंगा में जाके डूब मरे, तो डूबे वहां पे। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल विज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अशोक तंवर जो टिकट ना बिकने की बात कह रहे हैं, इससे ये बात स्पष्ट है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस में पैसे देकर टिकटें बिकती हैं और फिर बन जाने के बाद वो पैसे अपने पूरे करते हैं। वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तंवर साहब भी पहले स्ट्रीम लाइन में थे तो उनको अच्छी तरह से पता है कि टिकटें कांग्रेस में बिकती रही हैं और कितने कितने में बिकती रही हैं, उनको अच्छी तरह पता ये बात है। तो इसलिए ना तो सिर्फ तंवर साहब बचे हुए हैं, तंवर साहब अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहे हैं। क्या लगता है सर, कांग्रेस में पैसे देकर टिकट लिया जाता है? साहब प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के और वो ये बात कह रहे हैं, इससे ये बात स्पष्ट है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस में पैसे देकर टिकटें बिकती हैं और फिर बनने के बाद वो पैसे अपने पूरे करते हैं, इकट्ठे करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा था कि वो कांवड़ यात्रा शुरू कर रहे हैं और वो गंगा जल लाकर सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भेंट करेंगे ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले और सरकार का कामकाज ठीक तरीके से चले। उसी का जवाब देते हुए अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और साथ ही अनिल विज कभी भी मौका नहीं छोड़ते, वो अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है। अम्बाला से कमलप्रीत सबरवाल की रिपोर्ट।